देखिए इस वक्त की आरा से बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने, जहां 20 से 21 लाख की चोरी होगी। आपको हम बता दें भोजपुर में लगभग 20 से 21 लाख की चोरी हुई है। एसबीआई एटीएम मशीन काट कर चोरों ने अंजाम दिया है घटना को, उसके बाद चोर जो है वहां से भाग गए हैं। आपको हम बता दें भोजपुर में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है, मानो जैसे अपराधियों के लिए भोजपुर सेफ जोन बन गया है। लूट, हत्या, छिनतई, चोरी व बलात्कार जैसी घटना इन दिनों भोजपुर में आम बात हो गई है। ताजा मामला भोजपुर जिले के आरा नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबी घटवा स्थित पेट्रोल पंप के बगल की है, जहां धोबी घटवा पेट्रोल पंप के बगल में एसबीआई एटीएम से बीते रात चोरों ने लगभग लाखों रुपए की चोरी कर ली है। बताया जाता है कि एटीएम मशीन जयशंकर प्रसाद के मकान के नीचे लगी हुई है। जयशंकर प्रसाद भोजपुर जिले के नावा नगर थाना क्षेत्र के बनौली गांव के रहने वाले हैं, जिसके आरा वाले क्षेत्र के मकान जो है नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबी घटवा के पास पेट्रोल पंप के पास स्थित है, जहां एसबीआई के एटीएम से बीती रात चोरों ने एटीएम मशीन काट कर लाखों की चोरी कर ली है। सूत्रों की माने तो एटीएम मशीन में लगभग 20 से 21 लाख रुपए होने की आशंका जताई जा रही है। चार की संख्या में आए नकाबपोश चोरों ने सबसे पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग की स्प्रे लगाकर उसे काला कर दिया, ताकि चोरों की सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में ना आ सके। आपको हम बता दें जो चोर हैं वो काले रंग के गाड़ी पे चार लोग सवार होकर आए थे, जो चोरी करने के बाद जगदीशपुर की तरफ भाग निकले। वहीं जो थाना अध्यक्ष है नवादा के, उन्होंने अवनीश कुमार ने बताया है कि उन्हें बैंक के हेड ऑफिस से मुंबई ब्रांच से फ़ोन से रात लगभग 2:17 पर फ़ोन आया था कि कुछ चोरों द्वारा एटीएम मशीन को काटा जा रहा है। सूचना पाकर नवादा थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक चोर चोरी कर भाग चुके थे और एटीएम मशीन को जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुल्हिनगंज के समीप सड़क के किनारे फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और यह दावे कर रही है कि चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। देखिए बिहार में लगातार आपराधिक घटना हो रही है और एक बार फिर से एटीएम से चोरी करके जो चोर हैं वो भाग गए हैं। अब देख रहा ये होगा कि जो वारदात है वो कब तक कम होता है।